हेलो, तुम्हें मेरी स्टोरी कैसे पता? मैंने कब बोला मुझे पता? तुम्हें मेरी स्टोरी कैसे पता? मैं बता दूंगी, बट जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो ना, आपको उसकी कसम में कॉल कट नहीं करोगे मेरी बात सुनने के बाद। बोलो। जिसने आपको चीट किया है ना, मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। क्या बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। मतलब एक हर्ट करके गई, पूरी तरह चीट कर गई, तोड़ गई। उसने कमी कोई छोड़ दी थी हर्ट करने में, जो तुम आ गए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैंने आपको कोई हर्ट नहीं किया है। झूठ तो बोला है ना, वो भी झूठ बोल बोल के हर्ट कर गई। तुमने भी आगे स्टार्टिंग में झूठ बोला ना। मेरी मजबूरी थी झूठ बोलना, मुझे क्या कोई शौक मजबूरी थी? नहीं है। मुझे पता था कि अगर मैं स्टार्टिंग में ही पहली बार ही बात करती आपको बता दूंगी कि मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, तो आप मुझसे 2 मिनट भी बात नहीं करते, कॉल ही कट कर वो मैं देते। अब भी नहीं करूंगा। अब आपको करनी पड़ेगी, वो मुझे पता है, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि आज भी आप उस बंदी से इतना प्यार करते हो ना, उसकी कसम मानोगे, अब मुझसे बात करोगे, मेरी पूरी बात सुनोगे। तो तुम भी तो उसके कॉलेज में रही होगी। तुमने क्या कभी उसको सुधारने की कोशिश की? एक तुमने ही तो सेकेंड, उसका पूरा पूरा मैंने साथ एक दिया हुआ। सेकेंड अरे छोड़ो, तुम भी वैसी हो यार। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि मैं उसमें कॉलेज में पढ़ी। मैंने सिर्फ इतना बोला है मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। मैं कॉलेज में मैं उससे संग नहीं पढ़ी थी। मैंने अरे मुझे अब एक कुछ नहीं सेकेंड, पहले जानना यार। मेरी पूरी बात सुन लो। मैं उसकी स्कूल की बेस्ट फ्रेंड हूँ। ग्रेजुएशन वो कर रही है, उस टाइम पे ग्रेजुएशन मैं नहीं कर रही थी, मैंने अपनी स्टडी उस टाइम पे ही छोड़ दी थी। ग्रेजुएशन मैं अब कर रही हूँ, वो पहले कर चुकी है। कॉलेज में वो अलग ही चली गई थी, और उसने मुझे स्कूल में भी नहीं बताया था आपके बारे में। उसने मुझे कॉलेज में जाके बताया था कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है उमंग नाम का, ठीक है ना? अब मत बोलना कि मैं कॉलेज में उसके संग पढ़ी, मैंने उसके संग रोक टोक नहीं करी कि तू यहाँ पे जा रही है यहाँ पे नहीं जा रही है। मुझे कॉल वगैरह क्यों किया ये बताओ। आपकी स्टोरी जानने के लिए, वो मुझे पता है क्या बताती थी? वो मुझसे वो जो कहती थी, बताती थी तुम वही सच है। पहले मेरी आप पूरी बात सुन लेंगे, बीच में नहीं बोले तो। ओके बोलो। उसने मुझे बताया कि उमंग मुझसे बहुत प्यार करता है। स्टार्टिंग में वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करती थी, उमंग मुझसे बहुत प्यार करता है। वो कहती थी कि यार, पर रोक टोक बहुत करता है कि यहाँ पे मत जा यहाँ पे मत जा। मुझे अच्छा लगता था कि आप उसे रोक टोक करते हो, बट उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि आप उसे रोक टोक करते हो। मैं कहती थी यार, वो केयर करता है, वो तो उसे बहुत प्यार करता है। कहती नहीं यार, मुझे ऐसी कोई केयर वेयर नहीं पसंद है, मेरी कॉलेज लाइफ है, मुझे इंजॉय करना है, बट वो मुझे इंजॉय नहीं करने देता है। कि नहीं, मुझे यहाँ जाना है वहाँ जाना है। मतलब उसके कॉलेज फ्रेंड इतने वो थे ना, मतलब एक जगह कॉलेज फ्रेंड होते अच्छे, उसके कॉलेज फ्रेंड ऐसे थे कि मतलब वो कहते थे कि यार रात में जाना है, अब उसके रूम पे चल रहे हैं यहाँ पे चल रहे हैं, मतलब वो उनको ही बात मानती थी। उसको जहाँ पे वो कहते थे वो वहीं पे जाती, ना वो अपने पेरेंट्स की सुनती थी, ना वो मेरी सुनती थी, ना वो आपकी सुनती थी। आपसे मतलब जब भी पूछो कि उमंग क्या कर रहा है, उमंग कैसा है, तो कहती नहीं यहाँ पे मुझसे गुस्सा है, मुंह फुला के बैठा हुआ है, उसने मुझे यहाँ पे जाने के लिए मना किया था तो मैं चली गई, और मुंह फुला के बैठा हुआ है, वो मुझसे बात नहीं कर रहा। मतलब हमेशा मुझे यही एक्सक्यूज देती थी। उसके कॉलेज फ्रेंड उसके लिए इतने मायने रह गए, इतने मायने हो गए थे ना, इतने मायने, बहुत ही ज्यादा, किसी के उसके आगे किसी की चलती ही नहीं थी। फिर मैं मुझे कॉल पे बताती थी यार, हमेशा मुंह फुलाए रहता है, लड़ता है, फिर भी मुझे समझाती थी कि नहीं यार, वो तुझसे केयर करता है, तुझसे बहुत प्यार करता है। मैं मुझे अच्छा लगता था कि आप उसकी केयर करते, बट उसे वो समझ में ही नहीं आता था। उसको सिर्फ अपने कॉलेज फ्रेंड ही दिखते थे, मेरे कॉलेज फ्रेंड इतने अच्छे हैं, ये है वो है। और उसके कॉलेज फ्रेंड भड़काते भी उसे बहुत थे, नहीं यार देखते पर कितनी रोक टोक करता है, तो उसे छोड़ देना, इतना तो कोई किसी के ऊपर रोक टोक नहीं करता, कॉलेज लाइफ है, एंजॉय नहीं करेगी। बट उसे ये नहीं दिखता था कि तुम केयर कर रहे हो, उसे ये दिखता था कि नहीं ये सही कह रहे हैं उमंग, मुझे भड़क वो लोग उसे भड़काते तो वो भड़क भी जाती थी, नहीं यार उमंग रोक टोक कर रहा है, यहाँ पे जाना चाहिए यहाँ पे जाना चाहिए, वो किसी की नहीं मानती थी। फिर मतलब बीच में सडनली क्या हुआ, उसका एक नया दोस्त आ गया, वो उसके बारे में बातें कर रही है। आज मैं उसके यहाँ घूमने गई, मैंने मूवी देखी, मैंने उसके संग ये खाया, हमने कॉलेज में इतनी सारी बातें करी। और जब भी मैं आपके बारे में पूछती थी उमंग कैसा है, तो फिर कहती छोड़ यार उसका मुंह फूला हुआ है, मेरी से लड़ाई हो गई। मतलब 1-1.5 मिनट में आपकी बात तुरंत खत्म, और पूरी पूरी कॉल पे उसकी बातें चालू, या वो ऐसा है वो ऐसा है, वो मुझसे ऐसी बातें करता है, उसकी मम्मी ऐसी, उसकी फ्रेंड ऐसी, मतलब उसकी पूरी कॉल टाइम पे बात में उसे कहती थी नहीं यार उमंग को भी थोड़ा टाइम देना चाहिए। कहती नहीं यार, वो हमेशा मुझसे गुस्सा ही रहता है, मुझसे बात ही नहीं करता अच्छे से, इरिटेट करता है ये वो, मतलब आपकी बात 2 मिनट में ही काट देती थी, पूरा टाइम उसकी बातें उसकी बातें उसकी बातें। फिर मैंने उससे पूछा एक दिन कि क्या हुआ, तो सडनली उसकी शादी हो गई। मैंने उससे पूछा तेरी शादी हो गई, तू तो उमंग से प्यार करती थी, तो उसने तब मुझे बताया कि मेरी शादी उस उमंग ने मुझे चीट कर दिया है, नहीं उमंग। फिर मेरे मन में सवाल आया
कि उमंग तो चीट कर नहीं सकता, जब जो बंदा इतना केयर करता है बंदी से, इतना प्यार करता है, वो बंदा कैसे चीट कर सकता है। उसके बाद ये मुझे बात थोड़ी एडजस्ट भी नहीं हुई। मैंने उसके बाद आपको फॉलो किया, आपकी FBI ID सर्च करी, आपकी वीडियोस देखी, आपकी पोएट्री देखी, तब मुझे पता चला कि आप खुद इतने सैड हो, इतने दुखी हो। मतलब आपको धोखा मिला है तभी तो आप सैड हो, आप धोखा देते तो आप सैड ही नहीं होते, दुखी ही नहीं होते, तो मजे से जी रहे होते। तो आपकी पोएट्री पढ़ के, आपकी फोटोज देख के, तब मुझे पता चला कि चीट आपने नहीं, उसने चीट किया है, वही लड़की गलत थी। फिर मैंने आपको फॉलो किया, मैंने आपका नंबर ढूंढा। फिर मैं चाहती थी कि मैंने स्टार्टिंग में इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप समझोगे कि मैं भी उसी की तरह हूँ, जो कि आपने समझा, जैसे आपने स्टार्टिंग में मुझसे बोला कि आप भी उसी की तरह, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं चाहती थी कि उसने तो जो किया वो किया, बट मैं चाहती हूँ कि वो मूव ऑन कर चुकी, तो आप भी तो मूव ऑन कर सकते हो ना, उसकी शादी हो चुकी है तो आप भी तो कुछ कर सकते हो, आप भी तो खुश रह सकते हो, बट आप चाहते ही नहीं हो खुश रहना। बोलिए आप हो गया तुम्हारा? क्यों, क्या हुआ, कुछ नहीं, कुछ तो हुआ। आप महंगी क्यों, और मैं अब मूव ऑन करूं नहीं करूं उससे आप मतलब मत रखो, ठीक मतलब है ना? ना रखूं, जब वो बंदी मूव ऑन कर चुकी है तो आप मूव ऑन नहीं कर सकते हो। मतलब उसने शायद कभी प्यार किया नहीं था, तो मूव ऑन क्या करेगी वो? अरे प्यार जब किया होता तो कॉलेज में मैं उसको रोक टोक करता, उसको दिखाई देती कि अगर रोक टोक कर रहा है तो क्यों कर रहा है, मेरी अच्छाई के लिए कर रहा है ना कि मेरी बुराई के लिए कर रहा है। वही तो मैं आपसे कह रही हूँ कि एक फ्रेंड्स होते हैं अच्छे, एक फ्रेंड्स होते हैं बुरे। उसके फ्रेंड इतने बुरे थे ना, मतलब उसको भड़काते थे, मतलब उसको मेरे उसको हिसाब अपना से तो अच्छा भड़का दिख है। रहा था, अच्छा बुरा दिख रहा था, अब भड़काते थे, इसका मतलब ये है कि दूसरा बॉयफ्रेंड बना लोगे, उससे शादी करके बैठ जाओगे ना? वही तो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, जब वो आपको इतनी आसानी से भुला सकती है और एंड में मतलब गलत तुम सामने वाले साबित करे आओगे। वाह यार, तो मुझे पता था कि आपने चीट नहीं किया। मेरे मन में यही सवाल था कि आपने चीट नहीं किया, इसलिए मैंने आपको फॉलो किया, इसके लिए ही मैंने आपको मैसेज किया, इसके लिए ही मैंने आपको कॉल किया। हाँ तो आप क्या चाहते हो, मैं क्या क्या करूँ बताओ? मूव ऑन करो लाइफ में, और क्या करो, मूव ऑन करके बैठा हूँ मैं बस, और बताओ। ऐसे मूव ऑन नहीं होता। जरूरी थोड़ी कि एक लड़की छोड़ के चले गई तो पूरी जिंदगी खत्म हो जाए, जरूरी है। तुम्हारे पास है ना जिंदगी, तुम जियो अपनी। बस मुझे इतना बता दो कि एक लड़की छोड़ के चली जाएगी तो जिंदगी खत्म हो जाती है क्या? कभी यार अपनी अब हालत देखी आईने में, सबसे ज्यादा हर्ट पता है कब होता है? कब होता है? जब तुम्हें ये लगने लगी तुमने सामने वाले को धोखा दिया, पूरी लॉयल्टी निभाने के बाद भी वो बंदी मेरे साथ कुछ ऐसा ही करके गई है। उसने एक बार भनक तक नहीं पड़ने दी, उसने मुझे 3 साल तक चीट किया है। उसने बस यही दिखाया कि नहीं मैं प्यार करती हूँ, प्यार करती हूँ, प्यार करती हूँ। बट आज तो वो शादी करके खुश है, उसे ना आपको छोड़ने का दुख है, ना उसको आपको चीट करने का दुख है, किसी चीज का दुख है ही नहीं उसे। तो कम से कम वो इतना आप तो उसकी नजर में चीट ही कहाँ हुआ, उसके किसी भी फ्रेंड की नजर में और मेरी नजर में, वो मेरी नजर में खुद वो चीट करके गई कहाँ है? उसकी नजर में चीट है ही नहीं, चीट तो हुआ ही नहीं उसकी नजर में भी। अरे तो जब वो शादी करके इतनी खुश है, इतनी हैप्पी अपने हस्बैंड के साथ, तो अपनी लाइफ में आप भी तो खुश रह सकते हो। अब उसको खुश रहने का हक है तो आपको खुश रहने का हक नहीं है? आपने पहली बात तो आप मेरी नजर में बहुत बड़े पागल हो, आपने अपनी हालत इतनी बुरी बना ली ना, वो भी उस लड़की के चक्कर में जो लड़की आपको डिजर्व ही नहीं करती है। मतलब इतनी केयर करने के बाद, इतना प्यार करने के बावजूद वो लड़की छोड़ के चली गई, वो भी किसी घटिया बंदे के लिए। वो बंदा इतना बुरा है ना, सच में उसकी नजर में तो बहुत अच्छा है ना वो, उसकी और अच्छा ही नजर। होगा ऑब्वियसली। कॉलेज का बंदा है, स्टडी की है, मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, पढ़ा लिखा है, अच्छा ही होगा, भी तो बुरा कहाँ से हो गया? पर इंसान की लॉयल्टी भी देखी जाती है ना। वो दोनों तो एक दूसरे के लिए लॉयल्टी निभा ही रहे हैं ना, दूसरे को चीट करके। और दिमाग देखो लड़की का, उसने ऐसा घुमाया है कि एंड में कोई उसको बेवफा तक नहीं कह सकता, मानना पड़ेगा यार। मेरे नजर में वो बेवफा ही है। तुम्हारी नजर में ना कोई और तो उसको आगे बेवफा नहीं कह सकता ना। चल छोड़ो, ऐसा ही बात है। बट उसने मुझे क्या बताया था कि आपने उसे चीट किया है, आपने दूसरी गर्लफ्रेंड बना लिया। उसने ये नहीं बताया कि मैंने दूसरा बॉयफ्रेंड बना लिया है। उसने मुझे आज तक दूसरे बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं बताया। बस वो कहती थी मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और लास्ट में उसने अपने बेस्ट फ्रेंड से ही शादी कर ली। साले बेस्ट फ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड कह के इंसान मैंने पूरे भी उसे यही पूरी क्वेश्चन अपनी किया, यार बेवफाई ये तो दबा तेरा लेता है। बेस्ट फ्रेंड था कि नहीं यार, ये मेरा बॉयफ्रेंड था, मैंने टॉप सीक्रेट रखा, किसी को बताया नहीं था। जब उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड को नहीं बताया तो फिर सोचो आप।
बस मैं चलो आपको ठीक है, इतना ही, बाद में फोन करता हूँ। एक सेकंड, मैं आपको इतना ही समझाना चाहूंगी, वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुकी, तो आप भी प्लीज मूव ऑन कर लें। हाँ ठीक है, चलो मैं बाद में फोन करता हूँ, बाय। बाय।